बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम टीवी में आपको खुश आमदीद। आज एक बड़ी ही मज़े की और बड़ी ही एंटीक जगह पे मौजूद हो, तो मैंने दिल किया कि अभी क्योंकि जिस एपिसोड के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ वो आपको बताया कि कुल्लुस उस्मान का सीज़न 5 जारी और सारी है। आप देख रहे हैं अक्सर प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर भी, और जियो इसको प्रॉपरली इसको रिलीज कर रहा है। आपको बताऊँगा कि कुल्लुस उस्मान की जो वीडियो के मजीद आगे जाके बताऊंगा, लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर स्किप किया तो आपको स्टोरी मिस हो जाएगी। पहली 5 किस्तों का रिव्यू मैं शॉर्ट शॉर्ट आपके आगे रख रहा हूं, तो उसके बाद आपको ये जानना होगा कि किस्त नंबर 6 का जो ट्रेजर आ चुका है उसमें क्या हुआ, और उस किस्त के अंदर जो मेन चीज है कि कुल्लुस उस्मान और उसके बेटे जो है उरहान और अलाउद्दीन, चूंकि अभी प्रीवियस इसकी किस्त में ये भी बताया जाता है कि बाला की तबीयत खराब होती है, बाला को जो बीमारी लाग होती है उसका इलाज, और दीगर जितने भी लोग होते हैं इर्द गिर्द के जिनको वो ईसाई जो पादरी होते हैं उनकी तरफ से एक बीमारी कहने के एक वायरस से छोड़ा जाता है, जिसके इलाज के लिए उरहान और अलाउद्दीन बड़ी तंगदो करते हैं, मशक्कत करते हैं, लेकिन उरहान की ड्यूटी कहीं और लग जाती है, इसलिए अलाउद्दीन अपनी जड़ी बूटियाँ ढूंढने के लिए निकलता है। अलाउद्दीन के साथ तुर्के और 2-4 जो मेन लीडर होते हैं वो भी साथ होते हैं, अपनी एक 15-20 का लश्कर लेके उनके उसके जड़ी बूटियों को तलाश करने जाते हैं। रास्ते में उनका मुकाबला ईसाइयों के कुछ बुजदिल लोगों से होता है, जिससे वो फतेहयाब होके वो जड़ी बूटियां ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उसी की वो एक शरबत सीरप बनाते हैं, जिसकी वजह से वो आप समझ लें कि उसके अपने जो कई कबीला के जो लोग होते हैं उनका इलाज हो जाता है। तो मैं आपको चीज़ें चीज़ें मेन पॉइंट बताता हूँ कि मलून खातून जो होती है वो अलाउद्दीन किस नंबर 6 का मैं आपको बता रहा हूँ, मलून खातून जो होती है वो भी उधर मौजूद होती है, और सुल्तान आप कह लगे सुल्तान मसूद के जो जब वो बीमार हैं अपने बिस्तर मर्ख पे पड़े होते हैं तो उनके पास वो भी चली जाती है, और दूसरी तरफ अलाउद्दीन भी वहाँ पर पहुंचता है। अलाउद्दीन जब मनाजर देखता है कि ये भी मौजूद है तो उसको शक व शुबहा हो जाते हैं कि लाजमी सुल्तान महमूद की तरफ से कुछ सुल्तान महमूद को कुछ होने वाला है, क्योंकि अलाउद्दीन को कुल्लुस उस्मान भेजता है कि आपने सलाउद्दीन की सुल्तान मसूद की आपने खिदमत करनी है, खिदमत गुजारी करनी है। जो एक मेन पॉइंट है जो मुझे अच्छा लगा किस्त में कि आप देख रहे हैं कि ईसाई का जो एक लीडर होता है वो उसको पता होता है कि मलून खातून भी उधर मौजूद है, तो वो चाहता है कि कोशिश करके कि किसी तरह सुल्तान महमूद की जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप तक पहुंचा दें। जो मेन पॉइंट होता है उसमें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं कि अलाउद्दीन जो आपको पता है कि अपना उसका उस्मान का जो बेटा है वो इस चीज़ को फॉलो अप कर रहा होता है कि देखे कि क्या हो रहा होता है। अलाउद्दीन जाता है कमरे में तो क्योंकि जो वजीर होता है अपना सुल्तान महमूद का वो उसको अंदर नहीं जाने देता, वो मालून के साथ मिला होता है, खातून के साथ मिला होता है, क्योंकि इस सारी कैटेगरी में वो दोनों पार्टी मुलविस होती हैं। अलाउद्दीन को कुछ समझ आना शुरू होता है, जब वो अंदर जाता है तो एक जड़ी बूटी के जरिए वो सिपाहियों को बेहोश करता है, बेहोश करने के बाद जैसे वो अंदर जाता है, अंदर जाकर देखता है कि अलाउद्दीन बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं, तो वो एक इत्र टाइप की बोतल में कुछ सुंघाता है सुल्तान महमूद को मसूद को, तो जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा होश आता है और वो उसे एक अपना राज बताते हैं कि मेरे तकिए के अंदर वो नक्शा मौजूद है जिसके अंदर खजाना लूटा हुआ जो माल गनीमत है वो उसमें मौजूद है। तो वो तकिए को चाक करता है अलाउद्दीन, और जब चाक करने के बाद देखता है कि उसमें नक्शा वो बाकी मौजूद होता है उसको समझ नहीं आ रही, पर वो सुल्तान कहते हैं कि आप अपने वालिद मोहतरम को ये बताइएगा उनको समझ आ जाएगी। ये इसी में पर्दे के पीछे वो खातून देख रही होती है, उसे पता लग जाता है। अलाउद्दीन को शक होता है कि वो फिर पर्दे के पीछे जाते देखते तो खातून नहीं मौजूद होती। तो ये 5 पहली से 5 तक किस्तों का मैंने आपको रिव्यू जल्दी से दे दिया, अब किस्त नंबर 6 में जो होगा वो बड़ा दिलकश और मंजर फरेब है। इस किस्त में साफ पता लगता है कि आपके जो ये जो अक्सर वो जब उसके सामने जाता है कुरकुते, और चूंकि बताया गया कि रिकवरी जब होती है बाला खातून की तो उस्मान और उरहान ये साथ होते हैं एक जगह से, जब दूसरी जगह कई कबीले की तरफ रवानगी कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर अटैक होता है, हमला होता है कुल्लुस उस्मान के ऊपर, जिससे उसको जहरीला जो तीर है उसकी बाजू पे लगता है, जिसकी वजह से उसके पूरे जिस्म में वो जहर फैलना शुरू हो जाता है। जब वो उरहान देखता है तो उरहान मुकाबला करता है फाइट अप करके, वापस जब कई कबीले में पहुंचते हैं तो कुल्लुस उस्मान अपने खेमे में जाते जाते बेहोश हो जाते हैं, जब बेहोश होते हैं तो
आप कह लें कि यार बड़ी मर जाती है, अफरा तफरी मर जाती है, तो इस सिचुएशन को देखते हुए वो फिर एक जड़ी बूटी का सर्च जारी करते हैं, तलाश जारी करते हैं। जब वो तलाश जारी करते हैं तो उन्हें मिल जाती जड़ी बूटी, उसका इस्तेमाल करते हैं तो कुरुस्मान का जो प्रोसेस है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। इस किस्त में जो मेन चीज़ है, अगली सातवीं किस्त का भी मैं आपको बताऊँगा, बहुत मज़े की चीज़ है। अगली किस्त में ये सब जड़ी बूटियाँ जलाकर धुआं बनाते हैं और उन लोगों को भी देते हैं जिनकी वजह से पूरे माशरे में, पूरे कई कबीला में प्रॉब्लम पड़ी होती है। तो इन किस्तों में ये देखते हैं उरहान बाला खतून और कुर्रत उस्मान आपस में फैसला करते हैं कि अब मुकाबला करेंगे दुश्मनों के साथ। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखा, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, नई से नई वीडियो, नई से नई ड्रामे की सीरियल आप तक पहुंचती रहेंगी। कुर्रत उस्मान की ये जो एक साथ है, 5 से 7-8 तक, चूंकि ये एक जगह प्ले कर रहा है तुर्की जुबान में, ये सारे ये बहुत आगे तक इस तरह चली गई है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये उर्दू जुबानों में चल रहा है। कुर्रत उस्मान की जो सबसे बड़ी मेन क्वालिटी है कि आपको बताया कि वो दीनदार, ईमानदार और चीज़ों को समझते हैं, समझ बूझ के साथ मुकाबला करते हैं। जबकि उनके जो दो बेटे हैं उरहान, एक जज्बाती बताया गया है, और जबकि आप कह लें कि आपका अलाउद्दीन जो उनका बेटा है वो कहने लगे दिमाग उसको कहा जाता है कि वो अपने दिमाग से इतनी दूर तक सोच लेता है कि उसको पता लग जाता है कि कैसे दुश्मन से मुकाबला करना है और कहां तक मुकाबला करना है। तो इसमें ये अलाउद्दीन अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करता है, अलाउद्दीन अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके सारी चीज़ों को मुकाबले के साथ साथ दिमाग बनकर ये काम करता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।